सिधौली ब्लॉक प्रमुख के तख्ता पलट का पर्दे के पीछे कौन शक्ति खेल रही है खेल, क्योंकि पहले क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक होती है और फिर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ज्ञापन सौंपा जाता है। दोनों बैठकों में आए सदस्यों की संख्या का अलग अलग दावा होता है। बैठक में भाग लेने वाला एक बीडीसी खुद को गुमराह कर हस्ताक्षर करवाने का बयान देता है। बीडीसी को लामबद्ध करने वाले का अपना तर्क है और ब्लॉक प्रमुख का अपना जवाब। दरअसल आपको बता दें, जब भी सूबे में निजाम बदलता है तब सबसे पहले मिनी विधायकों का तख्ता पलट होता है। मिनी विधायक यानी ब्लॉक प्रमुख कमाऊ वाले इस पद पर अपने खास को बिठाने के लिए पावरफुल जनप्रतिनिधि कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आलम यह तक हो जाता है कि किसी ब्लॉक में सांसद और विधायक के बीच शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ जाती है। सीतापुर में कई ब्लॉकों में फिर से एक बार ऐसे ही हालात बनने लगे हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत सिधौली ब्लॉक में देखने को मिलने लगी है, लेकिन यहां भी पावरफुल जनप्रतिनिधि सामने तो नहीं आए, पर क्या पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हैं? नहीं तो किसी एक में इतना दम नहीं रहता कि वो मिनी विधायक कहे जाने वाले ब्लॉक प्रमुख का तख्ता पलट करने का अकेले नेतृत्व कर ली। और सांसद हो या विधायक, जो अपना क्षेत्र होने का दावा करते हैं, उनके क्षेत्र में बगैर उनके हस्ताक्षेप के भला कोई कुछ कर सकता है? ये सभी जानते हैं, लेकिन सिधौली में अभी किसी भी जनप्रतिनिधि की ओर से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। बहरहाल सिधौली ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर सियासत चरम पर पहुंचने लगी है। ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों के स्वर मुखर होने लगे। सबसे पहले 4 सितंबर को क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ ब्लॉक परिसर में ही धरना दिया, जिसमें दावा किया गया कि 50 से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। सिधौली ब्लॉक में 101 क्षेत्र पंचायत सदस्य बैठक करने वाले सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई थी। 6 सितंबर को फिर एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सिधौली SDM AK सिंह और BDO संतोष कुमार को अपने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 64 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया। ज्ञापन देने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों का नेतृत्व कर रहे BDC रोहित भारती ने ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत पर आरोप लगाया कि अब तक 7 बैठकें ब्लॉक में हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक ही बैठक हुई है। 14 माह के अंतराल में BDC को मनरेगा से कोई कार्य नहीं मिला है। पहले हम आपको रोहित भारती ने क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। दरअसल पिछले 14 महीने हो रहे हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के। समाजवादी पार्टी से जीत गया है ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत जी ने। 14 महीने में एक भी बैठक नहीं की है। जो बैठक एक हुई है अभी लास्ट में, उसका भी भत्ता किसी BDC को नहीं मिला है। और सबसे विशेष बात यह है कि आपने एक भी समिति का गठन सही तरीके से नहीं किया है। समिति में BDC मेंबर्स होते हैं, लेकिन किसी भी BDC को नहीं मालूम है कि वो किस समिति के सदस्य हैं, किस समिति के उपाध्यक्ष हैं। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। समाजवादी पार्टी के ठेकेदार वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेके किसी भी BDC को कहीं पे तवज्जो नहीं दिया जा रही है, कहीं पे कोई महत्व नहीं है। पूरी तरह से BDC त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज BDC जो गांव में चुनाव जीत के आता है, अपने वार्ड में चुनाव जीत के आता है, जनता से वादा करता है, आज वो अपने क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। लगभग कितने BDC आपके साथ हैं? मेरे साथ 65 से 70 BDC इस समय वर्तमान में आए हुए हैं, और आप ये मानिए कि 70 से 75-80 के बीच में BDC टोटल कितने हैं सर? अब आपको बता दें कि दरअसल सिधौली के ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर भाजपा के रोहित भारती को बुरी तरह हराया था। राम बख्श रावत पहले भी भाजपा में रहे, कुछ दिन के लिए सपा में गए, फिर भाजपा में आ गए और मौजूदा समय में भाजपा में हैं। अब भाजपा में रहते हुए उन्हें भाजपा के ही रोहित भारती से जंग लड़नी पड़ रही है। स्थानीय लोगों में इस बात की सुखबुगाहट सुनी जा सकती है।
कि राम बक्सर रावत और रोहित भारती की जंग के पीछे का खिलाड़ी जरूर कोई और है। इस बीच जो ज्ञापन रोहित भारती के नेतृत्व में अधिकारियों को दिया गया, जिस पर उनई के जिस क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगाराम के हस्ताक्षर थे, उसने ही तमाम सवाल खड़े कर दिए। गंगाराम का कहना है कि उनके हस्ताक्षर गुमराह करके कराए गए। गंगाराम कहाँ के आप? जिला पंचायत बीडीसी हैं? उनई। अच्छा, उनई। तो आज जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, क्या आप उसमें गए थे? जी, हमारे जबरदस्त बुलावा कर रहा है। हम जाने नहीं रहे तो हमारे दस कर जबरदस्ती करवाई। वो जबरदस्ती कराई? रोहित भैया का है, का कहते रहे हैं कहीं की मीटिंग है यहाँ पर, यहाँ सबको अब जानकारी में हम नहीं रहा है कि कैसे का हो कैसे ना हो, तो करे पड़ा। आपको सुनाते हैं भाजपा की माला जपने वाले ब्लॉक प्रमुख राम बक्श रावत का क्या कुछ कहना है। अब अभी हमको तो ज्ञापन मिला नहीं है। अब तो सरकार का जो आदेश होता है, जो सरकार का कोष आता। क्या नाम है भैया? गंगाराम। अच्छा, कहाँ के आप? जिला पंचायत बीडीसी हैं? उनई। अच्छा, उनई। तो आज जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, क्या आप उसमें गए थे? जी, हमारे जबरदस्त बुलावा कर रहा है। हम जाने नहीं रहे तो हमारे दस कर जबरदस्ती करवाई। को जबरदस्ती कराई? रोहित भैया का है, का कहते रहे हैं कहीं की मीटिंग है यहाँ पर, यहाँ सबको अब जानकारी में हम नहीं रहा है कि कैसे का हो कैसे ना हो, तो करे पड़ा। क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य करा रहे नहीं, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से दो मीटिंगें हो चुकी हैं। वो रजिस्टर पे सबके साइन भी हैं और उसका भत्ता भी ऑनलाइन उनके खाते में जा चुका है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और उसके जो कार्यकर्ता आते हैं, जनता आते हैं, उसका हम काम करते हैं। उसमें पार्टी कोई बात ही नहीं है। तो जनहित में हम काम कर रहे हैं। अब जो विरोध वाले हैं तो विरोध तो करेंगे, जो सरकार के विरोधी हैं वो सरकार का विरोध करेंगे और जो सरकार के पक्ष में है वो सरकार की बात करते हैं, सरकार के साथ रहेंगे। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका ये विरोध कर रहा है। बल्कि सरकार में तो वो भी है, बीजेपी से वो भी है। अब ये बताइए, कोई अगर सरकार के का कार्यकर्ता है, अगर पार्टी कार्यकर्ता है तो क्या धरना देगा? उसको अपनी बात आगे कहनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर हम उसकी बात ना सुने तब जाके धरना प्रदर्शन दे, वो तो असंवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमको तो लग रहा था 20-25 बीडीसी थे, तमाम बीडीसी यहाँ आके हमको बता रहे हैं कि हमारा साइन भर्ती करा लिया गया, हमारा नाम फर्जी लिख लिया गया, तमाम लोगों को गुमराह करके साइन करा लिया गया। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं तो ये गलत है और जो गलत काम करेगा संगठन उस पर कार्रवाई करेगा। हम बीडीसी को यही संदेश देना चाहते हैं, जो सरकार का धनराशि आएगी उससे हम सब क्षेत्र पंचायतों में कार्य कराएंगे। जो सरकार की मंशा होगी उसके अनुसार हम काम कराएंगे। जैसे कि सरकार ने हमसे, हम लोगों को हुआ कि अमृत सरोवर का काम किया जाए, तो हम लोग अमृत सरोवर का काम इस समय कर रहे हैं। सिधौली में ब्लॉक प्रमुख राम बक्श रावत और रोहित भारती के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, ये दोनों सिधौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लिहाजा इनकी अदावत पुरानी होना स्वाभाविक है। इस नई जंग में किसका पलड़ा भारी रहता है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। आई इंडिया से सिधौली देहात से राजन भार्गव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।